अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैयब एक्सपर्ट नाल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ आपको। और आज मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे सीवी बना सकते हैं अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप के ऊपर इजीली। क्योंकि पहले तो मैंने लैपटॉप का ही बताया हुआ था कि हम सीवी कैसे ऑटो, यानी कि हमें कोई ऐसा ना हो कि हम सीवी वर्ड पैड एमएस वर्ड पे या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर पे सीवी बनाए, जो काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मैं आज आपको ऐसी 2 से 3 वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप इजीली अपनी मोबाइल पे ही सीवी बना सकते हैं और ये वैलिड होगी, यानी कोई इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। किसी भी अगर आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं या इसके अलावा कहीं भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज में या प्राइवेट या इसके अलावा कहीं भी गवर्नमेंट कंपनीज में आप करते हैं अप्लाई, तो आपको इजीली वहां पे सीवी आपके, अगर आपके यहाँ पे सीवी बनती है तो कोई भी आपकी सीवी को रिजेक्ट नहीं करेगा। ये मेरे सामने आपके साथ शो हो रहे होंगे, 2 से 3 वेबसाइट मैं शो करता हूँ या गूगल में। आप यहाँ से खुद भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, गूगल में जाकर लिख करके हाउ कैन ऑनलाइन मेक सीवी इस तरह पे कुछ लिख के, तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ सीवी मेकर के नाम से ये है वेबसाइट। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने ओपन करना है और यहाँ पे इजिली आपने क्या करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना है ऊपर जो राइट साइड पे लिखा आ रहा है साइन अप, पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर होना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जो जो आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपका CNC नंबर क्या है, आपका ID कार्ड, इसके अलावा आपका सेलफोन नंबर क्या है, या आपकी डिस्क्रिप्शन या समरी या आपकी एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो सब कुछ आपने यहाँ पे लिखते जाना। ये तो आपको खुद को भी पता होगा। तो अपने बारे में यहाँ पे सिर्फ आपने ये एडिट करना है, जो यहाँ पे उसकी अपनी लिखी हुई हैं चीज़ें ये आपने इसको रिमूव करके अपनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। उसके बाद नीचे आपने सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी सीवी बनके आपके पास आ जाएगी। इसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं PDF में या टेक्स्ट में, कहीं से भी आप जाके इसको निकलवा सकते हैं। पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, जो नहीं लगाना चाह रहे छोड़ दें। या इसके अलावा आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, अगर आप उसको फिल करना चाह रहे हैं तो फिल कर लें, नहीं करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा, बल्कि रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आप इसको लाजमी इसको फिल किए, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा कोई नॉलेज आए तो वो भी यहाँ पे लाजमी यहाँ पर टाइप कीजिएगा। इसके अलावा और भी वेबसाइट है नीचे, आप और भी किसी वेबसाइट से जाके CV अपनी ईजिली बना सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी लोगों को नहीं पता। ज़्यादातर जो मेल होते हैं लड़के, उन्हें तो पता चल ही जाता है, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता ऐसी नॉलेज के बारे में कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप गूगल पे जाके कुछ भी लिखें कि ऑनलाइन सीवी बनाएं कैसे हम मोबाइल पे, तो वहाँ पे आप इजीली यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये 2-3 वेबसाइट हैं इसके मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने ये यहाँ से किसी भी लिंक को ओपन करके यहाँ से आप CV ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आप इजीली CV आपको बनी बनाई आपको मोबाइल में आ जाएगी और यहीं से आप शेयर कर लें या इसको यहाँ से आप प्रिंट निकलवा लें। अब जी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूँ कि हम CV कैसे बना सकते हैं मोबाइल पर। तो मैंने आपने अपने मोबाइल पे कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी ये ओपन किया हुआ, ये ओपन है मेरे पास। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने लिखना है हाउ टू मेक CV ऑनलाइन, जैसे कि मैंने लिखा, इसको आपने सर्च कर लेना है। जैसे सर्च किया तो इस तरह आपके पास ओपन होगा, तो आपने यहाँ पर देख लेना है, काफ़ी सारी ये लिंक दिए गए हैं, आपने कोई भी सभी ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ CVMKR.com, मैंने इस पर क्रिएट अ न्यू CV मेकर इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे अब यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, यहाँ पे आपने जो जो आपके CC हैं वो आपने देनी है, वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे अपना एड एंट्री या वर्क एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे आप 1 by 1। तो ये आपने ऐड करने के बाद आप जब ये सब कुछ यहाँ पे बन जाए आपका रेफरेंस, लास्ट तक आपने जाना है रेफरेंस। अगर आप ऐड न्यू सेक्शन भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपके पास PDF की फॉर्म में CV डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसके अलावा ये भी एक वेबसाइट अच्छी है, और एक बहुत अच्छी वेबसाइट ये भी है जो टॉप भी मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये है फ्री ऑनलाइन CV मेकर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप ओपन करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट माय रिज्यूम पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे आपको पहले जो है साइन अप करना होगा। ये सब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेने, कौन से टेम्पलेट हो, मैं ये सिलेक्ट कर लिया, इस टेम्पलेट को आपने एडिट करके अपना बना लेना है। अब यहाँ पर नेम आप देंगे तो ये देखिए यहाँ पे राइट साइड पे नाम चेंज हो जाएगा, उसके बाद नीचे जो जो आप इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे वो साथ के साथ यहाँ पे चेंज होती रहेगी, और उसके बाद एक अच्छी सी CV बन के आपके पास आ जाएगी। ये सेव एंड कंटिन्यू करते जाइएगा तो ये हर स्टेप पे आ जाएगा। अब यहाँ पे है येलो पे है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे ना, यहाँ पे ये सारी आपकी चेंजिंग यहाँ पर हो जाएगी।
आपने बस लिखना है, सब कुछ एडिट वगैरह वो करेगा। तो सिंपल सा तरीका, अगर फिर भी कोई मसला है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।